वर्कशॉप में आ चुके हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट है, सप्लाई देकर हम इसको चेक करेंगे, सभी मीटर का मान नोट करेंगे, ठीक है। तो सप्लाई को पहले एक बार हम चेक करा देते हैं। ये है हमारा ए मीटर, ये हमारा क्या है, ए मीटर में दो लीड रहेगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। ए मीटर हमारा सिरिंज में लगता है, और ये हमारा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसमें लगता है, पैरेलल में लगता है। जैसे ही वोल्ट मीटर से आगे जाएंगे तो ये हमारा क्या है, वाट मीटर है, किलो वाट में है। इसमें हमारा चार टर्मिनल होता है, देख पा रहे होंगे कि चार टर्मिनल है, एम एल सी वी, एम एल सी वी। वैसे एक पावर फैक्टर मीटर में भी है, समझ गया, उसे एक पावर फैक्टर मीटर में है। और ऐसे कनेक्शन करने के बाद हम सप्लाई देकर इसको चेक करेंगे। इधर हमारा क्या है, एमीटर लगा हुआ है, ये सीरीज में रहता है, इधर से हमारा फेज कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और यही फेज हमको देना है वोल्ट मीटर को भी, किसको देना है, वोल्ट मीटर को। और यहीं से हमारा चला जाएगा एम और सी, एम और सी आपस में शॉर्ट है, देख पा रहे होंगे कि एम और सी आपस में शॉर्ट है, और यहाँ से ही सी को भी शॉर्ट कर दिया गया है। और भी हमारा क्या है, न्यूट्रल के लिए होता है, ठीक है। भी हमारा किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये भी है, न्यूट्रल के लिए है। और जो एल लगा है, एल हमारा किसके लिए होता है, लोड के लिए। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हमारा ये लोड में चला गया है, किसमें चला गया है, लोड में चला गया है। तो यहाँ से जो हमारा एल टर्मिनल से निकल रहा है, यानी लोड के लिए जा रहा है, एम और सी को जा रहा है। एम और सी लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं, हाँ। और ये हमारा लोड हमारा चला जाएगा ये लैंप के लिए, ठीक है। और लैंप से एक कैपेसिटर हमारा जुड़ा हुआ है, जो सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में है। और जो न्यूट्रल होता है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि हमको एक वोल्ट मीटर को देना है, और यहाँ से ही एक भी को देना है, और वाट मीटर के भी टर्मिनल को भी देना है, और यहाँ से ही एक लोड को भी न्यूट्रल देना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हुआ। हम इसको क्या करेंगे, सप्लाई देकर मान नोट करेंगे। तो चलिए सप्लाई दीजिए। सप्लाई आ चुका है और लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। पहले हम इसमें क्या मेजर करेंगे, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर पर है, हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज करेंगे। तो जो एक्यूरेट साइज रहे, कितना भी वोल्टेज बता रहा है, 185 वोल्ट बता रहा है, लिख लो कितना बता रहा है, 185। चलिए इसका बताइए कितना है, 50 वोल्ट है, 49 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट लिख लेना है। और चलिए 180 वोल्ट, 180 है, चलिए 180। हमको करंट मेजर करना है, तो करंट हम कहीं पर भी लगा सकते हैं सीरीज में। अभी कितना बता रहा है, 0.2 बता रहा है, कितना बता रहा है, हाँ, तो लिख लो 0.2। ये हमारा वाट मीटर है, ये क्या है, हमारा वाट मीटर है। ये 30 से 50 वाट के बीच में बता रहा है, 30 से 50 के बीच में बता रहा है, क्योंकि ये हाई रेंज का है। तो मान देख लेंगे, कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है, तो हमारा ये लीडिंग पावर फैक्टर में जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है, ठीक है। और इधर इंडक्टिव लोड के लिए है। अब यहाँ हम रेजिस्टिव लोड लगाते तो इकाई देता, अभी ये लीडिंग में जा रहा है, किसमें जा रहा है, 0.99। चलिए सभी का मान नोट कर लिए। अब लिखे P बराबर, P बराबर आपका हो जाएगा P इन बाई इंटू कॉस पाई। सभी का मान नोट करेंगे इसमें,
कितना आया टोटल 185 * 0.2 इसका गुणा आ जाएगा 0.2, हाँ ऐसे कर लेंगे, ये आपका ठीक है 18 × 36 हो जाएगा, ठीक है सॉरी इसका गुणा करो 63। इस प्रकार से हमारा 36.63 ये वाट में आ गया। किस में आ गया? वाट। इस प्रकार से आप लोग